हेलो स्टूडेंट्स, कमिंग टू आवर टॉपिक यूनिट नंबर थर्ड, चार्ज की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। चार्ज की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, चार्ज के पास अब एक्सीलरेशन है। चार्ज के पास अब क्या है? फोर्स है। उसके ऊपर कोई फोर्स काम कर रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन है तो फोर्स है। अच्छा, यूनिट थर्ड को हम क्या बोलेंगे? तो यूनिट थर्ड का जो नाम होगा, उस नाम को हम जानते हैं, वही इस नाम से जानते हैं। बहुत प्यारे से नाम है इसका, मैग्नेटिक। आई रिपीट, मैग्नेटिक। मजेदार नाम है बिल्कुल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, अरे यार आगे भी तो बोलो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड, घबरा नहीं है, अभी बाकी है पिक्चर। एंड मैग्नेटिज्म, एंड मैग्नेटिज्म, ये किस जानवर का नाम है? कोई बात नहीं, ये नाम हमारा ही है, हमारे टॉपिक का है, अर्थ मैग्नेटिज्म। हम समझेंगे इसके बारे में। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है? चार्ज का थर्ड, चार्ज का तीसरा बिहेवियर। चार्ज के पास अब फोर्स है, वो चल रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, मतलब कि एक्सीलरेशन है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म तरीके से, कोई बात नहीं, देखेंगे, इसको भी समझेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। यहाँ पे आ जाओ। तो इसके लिए जो एक साइंटिस्ट है, मैं थोड़ी सी बताऊंगा आपको, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड। उन्होंने फर्स्ट टाइम जब इसको समझा तो उन्होंने जाना इस बात को कि अगर करंट, याद करो पहले चार्ज समझा, करंट समझा, अब करंट क्या यूज है इसमें। तो करंट जब किसी कंडक्टर में गया तो उन्होंने क्या देखा भाई, कि इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? डेवलप हो गई। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई तो ओस्टेड साहब ने समझा कि यार यार करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकता है, यानी कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट कहां से आया? तो करंट से भी आ सकता है, तो हम उसके बारे में समझेंगे। तो पहला टॉपिक याद रखो, मजेदार टॉपिक है बिल्कुल, घबरा नहीं है बिल्कुल, पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखो। तीसरा क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मजेदार टॉपिक, मैग्नेटिक, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, राइटिंग तो मजेदार है बिल्कुल। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अरे बार बार क्यों बोल रहे हो भी, क्योंकि तुम्हें सुनाई दे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पहला, करंट का इफेक्ट क्या है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो समझेंगे किस तरह का मैग्नेटिक इफेक्ट है। इसके लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम बता रहा था, उनको नोबेल प्राइज मिला इसके बारे में। और आपको मालूम होनी चाहिए कि एक्सीडेंटली ये एक्सपेरिमेंट उनसे हुआ था, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब कंटिन्यूअसली इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो मजेदार बनाएंगे इसको बिल्कुल बिल्कुल मजेदार बनाएंगे। अच्छा, दूसरा टॉपिक क्या है? अरे सर दूसरा टॉपिक जल्दी बताओ, सुनने के लिए रेडी हो? दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक इसका है कि चार्ज जब किसी फील्ड के अंदर जाएगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। मैं तो नहीं लगा सकता, देख ही नहीं सकता, तो कौन लगाएगा? तो हम समझेंगे दूसरा टॉपिक, फोर्स ऑन चार्ज। आई रिपीट, फोर्स ऑन चार्ज। एक बच्चे का दिमाग दौड़ने लगा, सर क्लास टेंथ में भी बनी थी, वही है यहाँ पे भी, यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पे लगने वाले फोर्स को समझ नहीं है। मैं एक लाइन में बता रहा हूँ, घबराना नहीं है, उस फोर्स को आजकल और पहले भी क्यूएबी साइन थीटा के नाम से जानते हैं। सर ये बी क्या है? बी फॉर बॉल नहीं, यही मैग्नेटिक फील्ड है। बी क्या है? वेलोसिटी है। क्यू क्या? चार्ज है। बाकी क्या है आगे देखेंगे। तीसरा टॉपिक क्या है भाई? तो तीसरा टॉपिक जो आपको आना चाहिए, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अंदर करंट चल रहा है, इसके अंदर करंट चल रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया और इसके ऊपर एक फोर्स लगा, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स फील करेगा। कब? जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा। ये कंडक्टर गया था बेचारा, इसके हाथ और पैर टूट गए, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया तो बोला यार बहुत फोर्स लगा, इसका मतलब कोई तो है, कोई तो है दया, देखते हैं कौन है। अच्छा, तीसरा टॉपिक हमारे पास क्या है कि फोर्स ऑन, फोर्स ऑन करंट, करंट कैरिंग, अच्छा करंट कैरिंग कंडक्टर। सर ये कंडक्टर तो बार बार आता है, कोई बात नहीं आएगा, तभी तो हम समझेंगे, यानी कि एक कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है, गमन नहीं है बिल्कुल, BIL साइड का। सर इसमें B क्या है? वही B है जो वहां पे था, मैग्नेटिक B। I क्या है? करंट L। अरे यार ये L है, L में क्या है? कितनी लंबाई का था, इतनी लंबाई का था, इतनी लंबाई का, इतनी लंबाई का, उसी को मैं L बोला, मुझे पता ही नहीं है। तुम्हारा कंडक्टर तुम्हें पता है, मेरा कंडक्टर मुझे भी मालूम है। अच्छा टॉपिक फोर देखते हैं। अच्छा टॉपिक फोर, अरे सर आप तो थ्री लिख रहे हो फोर बोल के, कोई बात नहीं, फोर्थ है, गलती हो जाती है। फोर्थ में क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा सुनाई दे रहा है, धीरे बोलो। ओके,
मैग्नेटिक डाइपोल। सर ये कौन सी वाला है? कोई बात नहीं, समझेंगे यार, घबराओ मत, साथ में आओ। मैग्नेटिक डाइपोल एंड साइंस, बड़ा परेशान है टॉपिक को लेकर के, हम भी परेशान हैं, हम तो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा कौन सा टॉपिक है सर, हमें भी समझाओ। अर्थ मैग्नेटिज्म। अच्छा इसमें क्या है सर? इसके अंदर कुछ नहीं है, हमें इतना ही सीखना है कि व्हाई अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। व्हाई अर्थ भी अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो एक साइंटिस्ट सबको मालूम चला, अच्छा तो मैं भी देखता हूँ क्यों कर रहा है। बड़ा परेशान हुए, मॉर्टन थियरी, बहुत बड़ी बड़ी थियरी आई, लेकिन सभी थियरी के लास्ट में सबके अंदर एक ड्रॉबैक्स आया, और ड्रॉबैक्स जब आया तो लास्ट में एक ही कंक्लूजन आया, वी डोंट नो व्हाई अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। ओके तो लास्ट में थियरी, लेकिन समझेंगे बहुत सारी चीजें है, एक्चुअल में बात तो सही है कि अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। देखो मैं खींच कर रखा हुआ, जंप कर रहा हूं, गिर जा रहा हूं, अरे सर ये तो ग्रेविटी है। अच्छा कंडक्टर को ले लो, हम समझेंगे उसके बारे में, घबराना नहीं है, ग्रेविटी है, बहुत सारी चीजें जो हमें मालूम नहीं है। अच्छा टॉपिक फाइव सर, एक और टॉपिक बाकी है। अच्छा सर इसको ही बताइए तो। अच्छा टॉपिक फाइव क्या होगा भाई? हमें मालूम है कि मैग्नेट होता है, अच्छा सर एक ही मैग्नेट होता है, अच्छा एक मैग्नेट नहीं होता है, कमाल कर दो, मैग्नेट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? मैग्नेट, अच्छा मैग्नेट, ये वर्ड्स कहां से आया हुआ है? तो ये वर्ड्स आया हुआ है एक मैग्नीशियन नाम का, आइसलैंड है जहां पर सीफर्ड रहा करते थे। अच्छा सीफर्ड क्या है सर? अरे गाय भैंस चराने वाले को बोल देंगे सीफर्ड, कोई नया वर्ड नहीं, हमारे यहां क्या बोलते हैं समझदार लोग। एंड देयर क्लासिफिकेशन, किसका सर? क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक, सर काफी बार बार लिख रहे हो, तो बढ़िया से लिख रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा इसको समझना था, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब दौड़ने वाला था, कोई बात नहीं जोड़ूंगा। एंड देयर क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि अरे सर और भी टाइप्स के मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट बहुत टाइप्स के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, अरे सर इतनी सारी चीजें बढ़ने, अच्छा पढ़ेंगे, डोंट वरी, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, मजेदार टॉपिक, मजा आएगा। अच्छा कुछ नया सीखने को तो मिल रहा है ना? हाँ तो नया सीखने को मिल रहा है, तो यही सोच के पढ़ो, हर टॉपिक अपने आप में एक नई टॉपिक है, हम उसके जड़ तक जाएंगे, जड़ तक क्यों जाएंगे, पूरा मजबूती उसी के अंदर होगा। अच्छा सर इसके बाद भी टॉपिक है, आपने टॉपिक सिक्स लिख दिया, अरे टॉपिक सिक्स लिखने की पुरानी आदत है, सिक्स लग गया इसमें, क्या पढ़ेंगे अब? न्यूमेरिकल, बैटिंग करने गया और सिक्स ना आया तो मजेदार नहीं होगा, यानी कि हमें न्यूमेरिकल, कौन कौन से न्यूमेरिकल याद करो, कौन कौन से न्यूमेरिकल? एनसीईआरटी, अच्छा एग्जाम्पल, वेरी गुड, तीसरा वाला नीट का भी करेंगे, कर लेंगे, आईआईटी भी करेंगे, कर लेंगे, एआईटीपीएली, सर एआईटीपीएली बंद हो, कोई बात क्वेश्चन तो है ना, एग्जाम बंद हो गए, क्वेश्चंस तो हमारे पास है, हम उसको भी डील करेंगे। अच्छा ऐसा काम करो, तो जल्दी इसको नोट करो, मैं आ रहा हूँ जल्दी, पानी पीने, सर पानी पीने जाओगे? यस आ रहा हूँ।